क्वेश्चन आया है बिरला सॉफ्ट बी सॉफ्ट के बारे में, जो कि क्वेश्चन है जैनिल चोपड़ा का। तो इस वीडियो में बिरला सॉफ्ट के बारे में चर्चा करेंगे। डिस्क्लेमर है, मेरी कोई भी बाइंग सेलिंग राय नहीं है, सिर्फ मैं मेरी एनालिसिस और रिसर्च आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है सही हो सकता है ये गलत हुआ, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेने के बाद ही कोई डिसीजन लें। और अगर आप कोई भी नए हैं और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे 9825681491 पे कॉल कर सकते हो। और अभी हमारे काफ़ी नए व्यूअर्स आए हैं, तो सभी का स्वागत है हमारी चैनल में। बाकी बिरला सॉफ्ट की बात करें तो आईटी रिलेटेड कंपनी है, तो मुझे सभी आईटी रिलेटेड कंपनी एक सी दिखाई देती है। बाकी डिटेल में मुझे बिजनेस मॉडल के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। कंपनी के मार्केट कैप अराउंड 18,600 के आसपास है, 18,500, और शेयर का प्राइस अभी चल रहा है 666 पे। 10 सालों का इसका सेल्स ग्रोथ देखे तो 7% है, तो थोड़ा स्लो गति से सेल्स ग्रोथ हो रहा है। और 10 सालों का एवरेज आरओई 17% है, तो आरओई अच्छा है। 10 सालों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% है, तो ये एवरेज है, डेप कंपनी में नहीं है, तो ये भी अच्छी बात है। तो ओवरऑल ये कंपनी मीडियम है, क्योंकि आरओई अच्छा है, बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक मीडियम लेवल पर है और सेल्स थोड़ा कम है, तो इस हिसाब से ये एक मीडियम कंपनी है। बहुत ही अच्छी भी नहीं है और ख़राब भी नहीं है, एक मीडियम कंपनी आप गिन सकते हो। बाकी अब वैल्यूएशन और रिजल्ट के हिसाब से बात करें तो कंपनी का पूरे साल में जो अभी सेल्स हो रहा है वो 5,300+ करोड़ का सेल्स हो रहा है और 820 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है, 16% ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अदर इनकम भी 100 करोड़ के आसपास रेगुलरली आ रहा है, कोई डेप का इश्यू तो है नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसा पिछले सालों में देखे तो लोअर साइड पर 10% रहता है और हायर साइड पर 16% रहता है और एवरेज 13% है, तो दोनों हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। तो अब सेल्स के हिसाब से और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से टारगेट निकालने की कोशिश करें एज पर मार्केट कैप, तो 15% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है, तो हम मार्केट सेल्स का 3 टाइम्स मार्केट मार्केट कैप लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से अराउंड 15-16,000 करोड़ मार्केट कैप आ रही है, तो उस हिसाब से अभी 18,500 करोड़ है। और एक दो साल का हम ग्रोथ करें तो ये जो सेल्स है इस 10% की ग्रोथ से चल रहा है, तो 6,000 दो तीन साल का हम लगाए तो 6,000-7,000 करोड़ सेल्स जा सकता है। तो ओवरऑल उसके हिसाब से 3 टाइम्स करें हम तो 20,000 करोड़, और अगर 4 टाइम्स भी कभी जाता है, क्योंकि कई बार आईटी कंपनी ज़्यादा भी वैल्यूएशन पर जा सकती है, तो 25,000-30,000 करोड़ वैसे वैल्यूएशन जा सकते हैं। बैलेंस शीट के हिसाब से बात करें तो अराउंड 3,900 करोड़ की बैलेंस शीट है, तो क्योंकि इसका आरओआई 20% के आसपास है तो बैलेंस शीट के 4 गुना हम वैल्यूएशन निकालते हैं। तो एज पर माई व्यू ये मेरा प्रेडिक्ट मेरा निकालने का तरीका है, सही या गलत है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इस तरह से निकालता हूँ। तो 16,000 करोड़ 15,000 करोड़ एक अच्छी वैल्यूएशन यहाँ पर बन रही है, तो उस हिसाब से देखें तो 550 का जब शेयर प्राइस आता है तब ये वैल्यूएशन बनती है। और ऊपर की साइड पर जो 25,000 करोड़ मार्केट कैप है वो अराउंड 900 के आसपास बनती है, तो वहाँ पर से ये घुमा है। बाकी और ज़्यादा वैल्यूएशन इसको मिलती है तो 2-3 साल का व्यू इस पर रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जैसे 4,000 करोड़ बैलेंस शीट है तो हम 2-3 साल का भी ऐड करें तो 6,000-7,000 करोड़ मार्केट कैप जा सकती है। तो उस हिसाब से उसका 4 गुना करें तो 25,000-30,000 वैसे मार्केट कैप आ रही है, तो 900 पर 25,000 करोड़ मार्केट कैप बनती है, 1,100 के आसपास 30,000 मार्केट कैप बनती है। तो इसके लिए आपको 2-3 साल का व्यू लगाना पड़ेगा। और नीचे की साइड पर हमें 12,000 करोड़ के आसपास एक अच्छी वैल्यूएशन बन रही है, 15,000-16,000 करोड़ के आसपास एक मीडियम वैल्यूएशन बन रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 19% अभी पब्लिक के पास है, और पब्लिक में कोई अभी बड़ा HNI नहीं है, बाकी के तो सभी FII, DII और प्रमोटर के पास है। तो ओवर शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छी है, लेकिन बहुत ही अच्छी नहीं है, क्योंकि 19% में पब्लिक में कोई HNI नहीं है, वरना बहुत ही अच्छी होती। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न एक मीडियम है, मतलब खराब भी नहीं है और बहुत अच्छी भी नहीं है, मीडियम है। अब प्राइस के हिसाब से बात करें तो कोरोना में इसने लो लगाया था 46 का, तो उस हिसाब से अभी ऑल टाइम हाई इसने इसी साल में लगाया था 860 का,
वहाँ से ये अराउंड 20 टाइम्स हो चुका है, तो आपको देखना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा मल्टीप्लेयर ये हो चुका है ऑलरेडी। 2021 में जो टॉप लगा था उसके बाद इसमें 2 साल का करेक्शन आया था, 2023 में इसका लो पड़ा था 250 का। तो कोई भी अच्छी कंपनी 2 साल के लो पर आपको मिलती है, कोई भी अच्छी कंपनी जो ग्रोथ कर रही है आपको पसंद आ रही है 2 साल के लो पे मिलती है, तो आपको उसमें ध्यान देना चाहिए। तो मैंने भी आप टेलीग्राम चैनल में अपडेट दिया था अराउंड 280-290 के आसपास 2-3 गुना के टारगेट के लिए, तो वो टारगेट आ भी चुका है। तो इसकी जो मेरे पुराने मेरे साथ जुड़े उसकी आप अपडेट भी गिन सकते हो और यहाँ पे क्या कर सकते हो उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म यू है तो मेरे हिसाब से 1 आवर 200 EMA इस पे फॉलो करें। मार्केट बंद होने के अंत में 3:15 पे अगर 1 आवर 200 EMA के ऊपर है तो आप रख सकते हो, 1 आवर 200 EMA के नीचे है तो आप निकाल सकते हो। बाकी कंपनी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दूसरी स्ट्रेटजी भी आप लगा सकते हो कि हर 10% की गिरावट पे आप एक्रीमेंट कर सकते हो और जब आपको 15-20% मिल जाए तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन आपको आपके हिसाब से कंपनी पसंद आनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको एनालिसिस प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि हर कंपनी हमारी सही नहीं जाएगी, तो आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा 10 या 20 स्टॉक में उस हिसाब से, क्योंकि कोई भी कंपनी में कभी भी प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरे हिसाब से बात करें तो अभी इसका 860 का हाई लगाने के बाद लो लगा है 550 का इसी महीने में, तो जो मैंने एनालिसिस करके बताया तो 550 के आसपास इसकी एक मीडियम वैल्यूएशन बन रही है और लॉन्ग टर्म चार्ट में इसका सपोर्ट भी वहाँ पर ही है, तो वहाँ पर से ही घुमा है और भी 666 चल रहा है। ऊपर की साइड पर इस पे अभी 760 से लेके 860 की रेंज में बड़ा रेजिस्टेंस है, वो तो आपको स्टॉप लॉस राइड करने वहाँ पर आता है तो आप 1 आवर 200 EMA स्टॉप लॉस राइड करें, बाकी उस रेंज में इसको बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा 760 के 860 के जोन में। नीचे 550 के आसपास बड़ा सपोर्ट भी है, तो इस रेंज में अभी घूम सकता है, 550 से लेके 760 या 860 की रेंज में अभी घूम सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कभी 1100 तक जा सकता है। जैसे अभी 550 से 860 की रेंज है तो 300 पॉइंट का ब्रेकआउट करे कभी भी आने वाले एक जब भी ब्रेकआउट आएगा 1 साल बाद मुझे पता नहीं है, कभी भी ब्रेकआउट आएगा तो उसकी 300 पॉइंट आप अपसाइड करो तो 1150 का टारगेट आ रहा है। तो फंडामेंटल और बैलेंस शीट के हिसाब से भी हमें वो टारगेट मिले थे, लेकिन आपको उसके लिए 3 साल का व्यू रखना पड़ेगा। दूसरा, अभी मार्केट आने वाले टाइम में 2-3 महीने बाद मुझे गिरावट भी पॉसिबल है, तो हो सकता है कि आईटी सेक्टर में तो मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन गिरावट आती है तब सभी स्टॉक में ज़्यादातर गिरावट आती है, तो उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए, आती है नहीं आती है वो अलग बात है। तो 550 का तो अभी बहुत बड़ा सपोर्ट है इसमें एज पर शॉर्ट टर्म और एज पर 3-4 महीने का व्यू ले तो, लेकिन अगर लंबा व्यू ले तो अभी अगर यह स्टॉप लॉस टूटता है तो दूसरा बड़ा सपोर्ट उसके बाद 400 पर आएगा। तो ये दो बड़े सपोर्ट की मैं बात करता हूँ, 400 और 550। जैसा मैंने पहले 280 पे दिया था, अभी क्योंकि तो रिजल्ट भी अच्छे वगैरह आ रहे हैं तो उस हिसाब से राइजिंग तौर पर 400 आता है तो वहाँ पर मेरे हिसाब से बड़ी अपॉर्चुनिटी भी रहेगी, क्योंकि 400 के बाद हम 1100 का टारगेट लगाए तो वापस हमें 2.5 गुना प्लस के टारगेट मिल सकते हैं। तो ये मेरी एनालिसिस है, बाकी डिसीजन आप अपनी रिसर्च के हिसाब से ही ले। थैंक यू फ्रेंड्स।